चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कि पिछले साल जो बजट पेश किया गया था उसमें बजट में हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की 4.45% थी, जो अब की बार 3.2% है। किसानों को बजट में के दिया बताओ, किसानों की कोई इसमें वो इन्होंने सहूलियत नहीं, ना किसानों को इन्होंने कुछ दिया। ये तो उद्योगपतियों के लिए है, किसानों का धोरा कहाँ पे ऐसा जी, किसान तो कर्जबंद है आज के उसमें। नमस्कार साथियों, शीशे में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला बागपत के गांव धामे हैं, हमारे साथ कुछ किसान हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। हम अभी किसानों के बीच है, बात करते हैं कि किसानों के लिए उसमें क्या क्या घोषणाएं किया, क्या किसान के लिए कुछ फायदेमंद चीज़ें उसमें घोषित की गई है, तो हम बात करते हैं किसानों से। जी आपका नाम? ओमपाल सिंह भाई। अच्छा, कल जैसे बजट पेश किया गया पूरे देश का, उसमें हर चीज़ है, तो क्या किसानों आपको लगा कि किसान के लिए कुछ चीज़ें उसमें? किसान के लिए तो उसमें कुछ है ही नहीं जी। बस जैसा एक क्रेडिट कार्ड पर लोन देंगे, अरे क्रेडिट कार्ड पर लोन देंगे किसान और कर्ज बंद हो जाएगा और पहले बिक जाएगा, यही लाभ हो सके किसान को। किसान को तो बिजली पर छूट करते, खाद पर छूट करते, दवाई पर छूट करते। जैसा इन्होंने कह दिया भाई पीएम आवास बनेंगे गरीबों के लिए, उसमें 195,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, किसानों के खाते में ही गिरवा देते ना। भाई आप एक बात बताओ, जिसका ट्यूबवेल है घर की, जैसा ट्यूबवेल है यू तो बिल दे रहा, इसका गन्ना महंगा ले रहा मोदी। स्टेट ट्यूबवेल का पानी फ्री है, नहर का पानी फ्री है, किसानों को बजट में के दिया बताओ। किसानों की कोई इसमें वो इन्होंने सहूलियत नहीं, ना किसानों को इन्होंने कुछ दिया। जैसा पीएम केयर फंड बता रहे भाई, ये किसान के लिए स्वाभिमान, आज लो 5 पीसे खुट्टे ने, इस गाँव में 10-5 आदमी के कुल आते होंगे, 10-5 ही किसान हैं इसमें। और फिर तो वह बात है भाई, चोर को घर की रखवाली करने के लिए दे दे कि एक रखा चोर, ये तो चोर है, चोर तो घर को साफ कर देगा। किसानों के लिए इनके द्वारा कुछ नहीं, को मील लगा, को ट्यूबवेल लगाई, को नहर खुदवाई। हमारे यहाँ तो 1967 की नहर खुद रही, आज लो पानी भी नहीं आ। हमारे इसमें कर देते बजट, नहर में पानी आ जाए, हमें भी कुछ सहूलियत हो जा। मर लिया कोई सुविधा नहीं, हमें तो लगती नहीं इसमें कोई सुविधा किसानों को हो। अच्छा, आपको क्या उम्मीद नजर आ रही थी कि हमारे लिए ये घोषणाएं होगी, मतलब 3 दिन? हमें इस तक कोई उम्मीद नहीं थी, ना इस तक कोई उम्मीद करी जा सकती। जो आदमी इतना झूठा हो उससे क्या उम्मीद कर सके। 15-15 लाख सबके खाते में बताओ, यहाँ तो 5 पीसे भी नहीं आए। जी आपका नाम? प्रेम सिंह। अच्छा, कैसे कल बजट पेश हुआ है तो आपको क्या लगा कि किसानों के हित में कुछ योजनाएं दी गई है या किसान का इस साल, क्योंकि पिछले 8 साल तो किसान लगातार नाराजी है कि हमारे हित में कुछ काम नहीं किया, क्या इस बजट में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? नहीं, ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है इसमें। नज़र अगर कोई चीज़ किसान को डायरेक्ट दी जा जी, किसी भी छूट, दवाई, खाद, बीज, तो कुछ किसानों को मिले भी, उन पर तो कोई आधारित नहीं है। निकलस भी 20,000 करोड़ कह दिया, कहना किसानों को दे रहे हैं, कर्ज बंद कर लो, तो तारी जमीन अपना कब्जे में ले लेंगे। ये तो पहले ही किसान इतने कर्ज बंद है, उन्हें तो वो ही नहीं दिया जा रहा। लाला ऊपर तो पैसा ले। अच्छा, नहीं जैसे मतलब सम्मान निधि बता रहे, सम्मान निधि पहले किसने दी 11 करोड़ किसानों को, दूसरी 8 करोड़ कर दी, और ये कह दिया 3 ही करोड़। क्या सारा, ये तो किसानों कह रहे हम वो दे रहे, क्या दे दिया किसानों को? किसानों को तो और तरह सारे ये सारे भटक रहे, सम्मान निधि के लिया कोई कहे 1 किस्ताई, कोई कहे 2 किस्ताई, तो कोई उम्मीद नहीं है जी। अच्छा, आपको लगता था कि कुछ घोषणाएं होगी किसान के लिए? वैसे हम टीवी पर सुनते थे, वे तो बतावे थे अगर सम्मान निधि दुगनी कर देंगे, खाद बीज पर छूट कर देंगे, गन्ने के रेट पर भी कुछ बढ़ा देंगे, फसलों को मतलब ईसा वाह कर देंगे, वह थारी MS पर जाएगी, लेकिन यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसे किसान में मतलब जो यंत्र होते हैं, जैसे सोलर पैनल की हम बात करें, और जो ट्रैक्टर अगर एक किसान खरीद रहा है, क्या उसमें भी कुछ छूटे मिले हैं जो कृषि या खाद बीज इन पे कुछ? नहीं, कोई छूट नहीं मिलती जी। अच्छा, ये तो उद्योगपतियों के लिए है, किसानों का धोरा कहाँ पे ऐसा जी, किसान तो कर्जबंद है आज के उसमें। कल हमारी वित्त मंत्री, भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, तो उसमें कहा है कि 20 लाख करोड़ हम कृषि क्षेत्र में जो है ऋण के तौर पे दे रहे हैं, तो क्या लगता है किसानों को इससे कुछ फ़ायदा होगा या किसान कुछ आगे बढ़ेगा? नहीं, ये तो सरकार थोड़ी कुछ अनुदान तो दे नहीं रही, वो पैसा किसान कर्ज के रूप में लेगा, उसका ब्याज देगा, यदि ब्याज ना दे पाया
तो उसकी ज़मीन नीलाम करके वसूल कर लिया जाएगा, तो वो तो एक बिजनेस है, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि पिछले साल जो बजट पेश किया गया था उसमें बजट में हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की 4.45% थी, जो अब की बार 3.2% है। तो पिछले साल से बजट घटा दिया गया, जबकि कृषि क्षेत्र की का जो देश की कुल जीडीपी में योगदान वो 20% के करीब है। जहां बजट में हिस्सेदारी 20% होनी चाहिए थी, वहां इन लोगों ने वो 3.25% से भी कम पे लेका है। तो किसान कहां से सर्वाइव कर पाएगा। और रही आप पूछ रहे थे कि भाई 7 लाख पे टैक्स, भाई यही बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं गरीबों को, तो जब इस देश के 80 करोड़ लोग टैक्स दे ही नहीं पाते, सरकारी आंकड़ों के अनुसार गरीब हैं, तो उसका लाभ हमें कहाँ मिलेगा। मात्र 3 या 4% लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, उस टैक्स रिबेट को इतना बेहतर बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है जिसका मतलब आम जनमानस से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जैसे कृषि यंत्र ट्रैक्टर हुआ और ट्यूबवेल सोलर पैनल, तो इसमें कुछ छूटे मिली है, जीएसटी में भी कुछ कटौती की गई है जैसे? नहीं, जीएसटी में नहीं, मैं जब से इन्होंने जीएसटी लागू करी है ट्रैक्टर या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट महंगे हुए हैं, क्योंकि पहले 6% टैक्स लगता था, अब 18% लगे, तो 3 गुना टैक्स बढ़ा कर कोई चीज़ सस्ती तो हो नहीं सकती, आप खुद सोचिए। तो कृषि क्षेत्र को तो इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। अच्छा, पिछले साल कितना बजट कृषि में इन्होंने दिया था और इस साल कितना दिया है? यदि डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो 1,55,000 करोड़ रुपए इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को दिए थे, जब अब की बार इन्होंने 1,44,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट दिए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। और आप किसान सम्मान निधि में 8,000 करोड़ रुपये इन लोगों ने कम कर दिए, जहाँ इसका किसान सम्मान निधि का बजट दुगना होना चाहिए था, वहाँ इन्होंने उसमें से भी घटा दिया। तो सीधी सी आप समझ सकते हैं कि सरकारी आंकड़ों में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वे साफ साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के साथ इन लोगों ने मखोल किया। इस बजट को आप कैसे देखते हैं, किसानी के हित में भी और शिक्षा के हित में भी, किन चीज़ों को डायरेक्टली फ़ायदा दिया जा रहा है इस बजट से? फ़ायदा तो इसमें किसानों किसी को भी नहीं हुआ जी, न किसानों को, मध्यम वर्ग तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जी। जो हमारे टैक्स पेयर थे, हम भी टैक्स देते हैं, हमारी एक सेविंग होती थी, वो सेविंग ख़त्म कर दी, 1.5 लाख तक का हम टैक्स सेव कर लेते थे, उस सेविंग के रूप में दिखा कर से बच जाते थे, वो भी ख़त्म कर दी, डायरेक्टली देना ही होगा अब टैक्स वो। दूसरा किसान वाली बात है, कल भी एक घोषणा कर दी उन्होंने बहुत बड़ी, जो अभी सब किसानों तक नहीं भी पहुँची, और जब पहुँचेगी तो बड़ा झटका लगेगा। ये सब तरफ ये 238 बीज खड़ा हुआ है, इसे रिजेक्ट घोषित कर दिया। अच्छा। ना इनके पास कोई बीज की व्यवस्था है, नई बीज की, नई वैरायटी की कहाँ से करेंगे, के कहाँ से किसान लेकर आवेगा। अगले साल से ये जितना भी खड़ा है इसको मिल लेने से इनकार कर दिया गया, ये आज पेपर में हिंदुस्तान में आ गया। तो क्या मनसा इसके पीछे नजर आ रही है सरकार की, जो ये आप बता रहे हैं बात करने की मनसा? अच्छा, अब लोन तो कह रहे कि हमने किसानों को हम भरपूर लोन देंगे, अरे लोन तो ले लगा किसान, जरूरत है उसकी, उसे पटाखा कहाँ से? वो अब जमीन पे निगाह है, वो कानून भी इसी तरह आए थे, कृषि कानून भी, अब लोन दे के इस बीज को से हटा गए, इसे लेंगे नहीं, रिजेक्ट में कर दिया ये, अब किसान बर्बाद करेंगे बिल्कुल। इतने भी कानून हैं वे उन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं जो अमीर लोग हैं, जो पैसा खर्च कर सकते हैं। आज हर आम जनता की कोई क्रिय शक्ति नहीं है, आम चुनाव से, लोकसभा चुनाव से ये पहला ही अंतिम बजट है, और यदि ये सरकार चाहती कि इसे वोट की गरज होती या वोट चाहिए होती या इसे आम जनता का डर होता, तो इस बजट में कुछ न कुछ आम जनता के लिए वो करती। अच्छा। अब इसने कुछ किया नहीं, आप परिणाम से बेहद निराशाजनक बजट है, जहां मोदी जी ने घोषणा करी थी कि 2022 में तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, अब किसान उसकी आय एक तिहाई रहेगी। आज यदि हम 2014 की बात करें तो 2014 में 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था किसान पे, आज भारत के किसान पे 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, तो आय कहाँ से दुगनी होगी? तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आम जनता को भी समझने होंगे और किसानों को भी समझने होंगे, और सरकार और
जो सरमाएदार हैं, जो विपक्ष है, जो संसदीय परंपरा का निर्वहन करते हैं, उन सबको समझ के आम जनता के हित में फैसले लेने होंगे। अच्छा। के पास धर्म के मुद्दों से हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान चीन पाकिस्तान से अलावा इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। ये भूख पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, गरीबी पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे। ये बात होगी तो हिंदू मुस्लिम और शमशान कब्रिस्तान पर बात होगी। हम अभी किसानों के साथ हमने बातचीत की बजट को लेकर, तो किसानों का कहना है कि हमें बजट आने से पहले जो उम्मीद थी कि किसानों के हित में ये काम होंगे, वो कोई काम उस पर नहीं हुआ है। जुड़े रहे सीसे से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।